हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एंजल ने अपने समर वेकेशन में ये क्रोशे बैग स्टार्ट किया था ट्यूटोरियल वीडियो देखकर यूट्यूब पर, और जिसे मैं अब पूरा कर रही हूँ। और इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में एंजल इस बार समर ब्रेक में बिजी रही है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एंजल का भी ये इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में डेवलप हो रहा है। मुझे भी क्रोशे करना काफ़ी पसंद है, और थोड़ा सा ही ये हैंड बैग रह गया था बनाने में, कंप्लीट करने में, तो मैंने सोचा इस दिन मैं इसे पूरा फिनिश कर दूँ। क्रोशे करना मुझे काफ़ी पसंद है, बट अब बहुत कम हो गया है। लेकिन जब से एंजल ने ये बैग बनाना स्टार्ट किया है, तो वापस से इंटरेस्ट मुझ में डेवलप हो गया है। और अब मैंने ये बैग कंप्लीट करने के बाद क्रोशे थ्रो ब्लैंकेट बनाना शुरू किया है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है इसका, 4 से 5 दिन में बनकर ये तैयार हो गया है। स्लिंग बैग भी बना सकते हैं, बट एंजल को हैंड बैग ही चाहिए था, तो इसलिए इसका हैंडल मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है। वीकेंड्स बेस्ट हैं जब हम स्केड्यूल्ड एक्टिविटी से हटकर अपने लिए और अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। और जब भी मुझे अब टाइम लग रहा है, तो मैं क्रोशे ब्लैंकेट बना रही हूँ। वीकेंड मॉर्निंग्स हमारे घर में थोड़ी सी रिलैक्सिंग होती है, और ये टाइम एज अ फैमिली हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और मैक्सिमम वीकेंड हमारे शॉपिंग डे भी होते हैं, और ये वीकेंड थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि एंजल का स्कूल आफ्टर समर ब्रेक स्टार्ट हो रहा है, जो कि लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है। और टोटली ये न्यू एक्सपीरियंस है एंजल का यहाँ पर कनाडा में, और हाई स्कूल अभी उसका स्टार्ट हुआ है, और टोटली न्यू स्कूल था यहाँ पर। तो स्कूल के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, और एंजल का रूम मैं अभी सेट कर रही हूँ, तो उसके लिए फर्नीचर और कुछ डेकोरेटिव पीसेस मैं खरीद रही हूँ। तो उसकी शॉपिंग करने के लिए हम लोग आइकिया गए थे इस दिन, और ये सैटरडे संडे दोनों दिन हमारे शॉपिंग में ही स्पेंड हुए हमारे ज़्यादातर। कुछ शॉपिंग मैंने वॉलमार्ट और डॉलरामा से भी की, और जो भी मैंने शॉपिंग आइकिया वॉलमार्ट और डॉलरामा से की है, उसका शॉपिंग हॉल मैंने वीडियो में लास्ट में शेयर किया है। डिशवॉशर अनलोड करने के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं। क्विक और इजी ब्रेकफास्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गोभी के पराठे बनाने में, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गोभी के पराठे बनाती हूँ। गोभी और सत्तू के पराठे हमारे घर में सबके फेवरेट हैं, और सैटरडेज़ और संडेज़ को ज़्यादातर यही पराठे घर में सबको खाना पसंद है। कद्दूकस करने के बाद गोभी में मैंने ऐड किया है जस्ट चॉप्ड धनिया और हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। बस इतना ही पराठे के लिए मैं स्टफिंग तैयार करती हूँ। मूली के पराठे भी सेम इसी प्रोसेस से मैं बनाती हूँ। रॉ फ्लेवर जो गोभी का है, वो इस तरह से पराठों में ज़्यादा आता है, और हमें ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और गोभी में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, इसलिए स्टफिंग फिल करते वक्त मैं सूखा आटा स्टफिंग पर थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि पराठों को बेलना ईजी हो जाए। पराठों पर ऊपर से थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाया है, और दही के साथ पराठे सर्व किए हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले वॉलमार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग और स्कूल सप्लाइज़ के लिए गए थे, और घर के पास ये वॉलमार्ट और डॉलरामा है, तो सबसे पहले हमने इन्हीं दो स्टोर्स में विज़िट किया। वेदर काफ़ी चेंज हो गया है इन दिनों यहाँ पर, फॉल सीज़न बहुत जल्दी आने वाला है, और इस न्यू सीज़न के लिए यहाँ ऑलमोस्ट सभी स्टोर्स में डेकोरेशंस डिस्प्ले कर दी गई हैं। कुछ ट्रेडिशनल और ट्रेंडी फॉल डिकोर अभी सभी स्टोर्स में देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऑरेंज कलर अब सब जगह फैला हुआ है। कुछ घरों के बाहर भी मैंने अभी फॉल डेकोर देखा है, लोगों ने घर डेकोरेट करने शुरू कर दिए हैं, और एंजल भी काफ़ी एक्साइटेड है इस सीज़न के लिए। ऑरेंज और बरगंडी कलर, ये अभी इस सीज़न के फेवरेट कलर्स हैं, और एंजल ने भी अपने रूम के लिए कुछ सिंपल फॉल डेकोर अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए ख़रीदा है। और वॉलमार्ट से शॉपिंग करने के बाद हम लोग डॉलरामा गए, दोनों ही स्टोर्स बहुत पास में हैं, और डॉलरामा से मुझे कुछ ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स ख़रीदने थे, तो इसलिए मैं डॉलरामा गई थी। बट यहाँ पर
पर भी फॉल डेकोरेशंस पूरी डिस्प्ले की हुई थी, तो यहाँ से कुछ पीसेस हम लोगों ने खरीदे। और उसके बाद हम लोग आइकिया के लिए गए, जहाँ से मुझे एंजल के रूम के लिए फर्नीचर खरीदना था। आइकिया एक तरह से बजट फ्रेंडली स्टोर है, हर बजट के लिए आइकिया स्टोर में फर्नीचर, होम प्रोडक्ट्स, किचन प्रोडक्ट्स, डेकोर अवेलेबल है। आइकिया स्टोर में हम जब भी आते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना हम ज़रूर खा के जाते हैं। ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो ही जाता है जब भी हम इस स्टोर में शॉपिंग के लिए आते हैं। मैंने कैनेडा में आकर घर के लिए सभी बड़े फर्नीचर यहीं इसी आइकिया स्टोर से ही खरीदे हैं, और आज भी मैंने यहाँ से कुछ डेकोर पीसेज और एंजल के रूम के लिए बेड खरीदा है। सभी रेंज के प्रोडक्ट्स इस स्टोर में अवेलेबल हैं। ये स्टोरेज बॉक्स मैंने खरीदा है आइकिया से $15 में। विंटर क्लॉथ रखने के लिए मैंने इसे खरीदा है, डेकोरेशंस रखने के लिए भी इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये बेड शीट्स मैंने खरीदी हैं वॉलमार्ट से $20 ईच। एक बेड शीट की प्राइस है $20, जो कि इस प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये बटरफ्लाई बेडशीट में थोड़ा सा स्पॉट था तो मैंने इसे वापस कर दिया है, और ये दो न्यू बेडशीट सभी मैं खरीद कर लाई हूँ। ये पंपकिन डेकोर मैंने खरीदा है वॉलमार्ट से $4 या $5 में, ये पूरा पैक है। डिफरेंट टेक्सचर्स और मटेरियल में ये फेक पंपकिन्स अवेलेबल हैं, ये एक पैक मैंने खरीदा है। और ये पॉटपरी का बैग, सेंटेड ये पॉटपरी है, इसको मैंने खरीदा है आइकिया से अराउंड $4 में। मिक्स्ड बेरीज और ग्रीन लीफ का पूरा कॉम्बिनेशन है, सेंटेड ये बेरीज हैं। और इसे रखने के लिए मैंने ये ग्लास बोल भी खरीदा है आइकिया से, और इसमें फ्लावर्स अरेंजमेंट या स्टोन अरेंजमेंट्स भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, और उर्ली की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं दिवाली के टाइम पे। रेड बेरीज और वनीला सेंटेड ये दोनों कैंडल्स खरीदी हैं मैंने आइकिया से, $4 की एक ये कैंडल है। 40 आवर्स इनका बर्निंग टाइम है, 20 आवर्स बर्निंग टाइम में भी ये कैंडल्स अवेलेबल हैं। और जब भी आइकिया में विजिट करती हूँ कैंडल्स वहाँ से ज़रूर खरीद कर लाती हूँ। ये कटिंग बोर्ड भी मैंने आइकिया से ख़रीदा है, $20 का ये कटिंग बोर्ड है। चॉपिंग बोर्ड या फिर चौकी की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं मंदिर में, बट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छा मुझे ये लग रहा था और नेचुरल मटेरियल है तो इसलिए मैं अभी लेकर आई हूँ। किचन या फिर मंदिर में मैं इसे यूज़ करूँगी। ये बैटरी ऑपरेटेड स्ट्रिंग लाइट्स भी खरीदी हैं मैंने आइकिया से $25 में। एंजल के रूम को डेकोरेट करने के लिए लाइट्स खरीदी हैं, काफ़ी अच्छा रूम का एटमॉस्फेयर हो जाता है इन लाइट्स से। एक ये कुकी जार भी मैं खरीद के लाई हूँ, इससे पहले भी मैंने दो जार आइकिया से खरीदे हैं। ये आर्टिफिशियल यूकेलिप्टस हैंगिंग प्लांट पॉट के साथ है, और इसे $5 में मैंने खरीदा है आइकिया से। डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है, बॉटल ग्रीन कलर में ये प्लांट भी अवेलेबल है। और इस आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट को रखने के लिए मैंने ये स्टोन वेयर पॉट खरीदा है $7 में, इससे थोड़ा ज़्यादा और अच्छा ये प्लांट देखने में लगेगा। ये कप स्टोनवेयर मटेरियल में है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इनकी, और एक कप $5 का है, चार मैंने ये पीसेस खरीदे हैं। एंजल के रूम के लिए ये मैंने स्मॉल साइज का पेडल डस्टबिन खरीदा है, ग्रे कलर में ये डस्टबिन है। 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है ये डस्टबिन आइकिया में, और $15 के अराउंड मैंने इसे खरीदा है। और काफ़ी ईजी है इसे क्लीन और हैंडल करना, इनर बकेट को रिमूव करके डस्टबिन को क्लीन रखना काफ़ी आसान है। बच्चों के रूम में, बेडरूम में या फिर बाथरूम में इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डॉलरामा से ख़रीदी हैं, मेनली ऑर्गेनाइजिंग और डेकोर पीसेज हैं। ये बास्केट्स खरीदी हैं मैंने एंजल के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्मॉल और बिग साइज़ की ये बास्केट्स हैं। और ये स्मॉल साइज़ का ग्लास जार मैंने ख़रीदा है एंजल के स्नैक्स रखने के लिए। और डॉलरामा में कोई भी चीज़ $5 से ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली चीज़ें या फिर अफोर्डेबल प्राइस में डॉलरामा में मिल जाती हैं। इस फ्रेम से मिलता जुलता पिक्चर फ्रेम मुझे आइकिया में $10 के अराउंड मिल रहा था, बट डॉलरामा में मुझे ये $4 से भी कम प्राइस में मिल गया है। ये भी मैंने एंजल के रूम के खरीदा है। एक और ये क्यूट सा पंपकिन, ये भी डॉलरामा से खरीदा है,
$4 के अराउंड ये पम्पकिन है। और आजकल ग्रीन कलर में ये शेड एंजल को काफ़ी पसंद है, इवन कपड़ों में भी एंजल ये कलर प्रेफर कर रही है। और एक ये छोटा सा पॉटेड आर्टिफिशियल प्लांट, ये भी अराउंड $4 के है। और ये कुछ बास्केट्स स्मॉल और बिग साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये सारा स्टफ़ मैंने डॉलरामा से ख़रीदा है। तो जो भी शॉपिंग मैंने अभी आइकिया, वॉलमार्ट और डॉलरामा से की है, उसका शॉपिंग हॉल मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। ये वुडन फ्रेम्ड बेड भी मैंने आइकिया से ख़रीदा है और इसे हम लोगों ने असेंबल कर लिया है और एंजल के रूम में अभी मैंने रख दिया है। और एक लॉन्ग साइज़ का मिरर भी एंजल के रूम के लिए ख़रीदा है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मेरे पास जो भी अवेलेबल हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।